मोहम्मद अनीस अत्तारी कराची से। बाबा जब इफ्तार के बाद आप हसन रजा के गले पे शायद हाथ रख के बुखार चेक कर रहे थे, अल्लाह ताला हसन को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, खैरियत दुआओं का तलब गार, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। ये बेचारे कल दोपहर से ये बुखार इनको है, तप रहे, लेकिन ये अजीब बच्चा है, ये रोज़ा नहीं छोड़ता। ये आज सारा दिन तप रहे थे बुखार में, मेरा 101 102 हो गया हो तो कह नहीं सकते। मैं डॉक्टर को भी बुलाया था, वो देख कर गया, बारह लिया कि मैं बोलता था पानी पी लो, नहीं पीऊँगा। रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे रमज़ान में एक भी रोज़ा इन्होंने नहीं छोड़ा। अब अल्लाह करे ठीक हो जाए, वरना मैं ज़बरदस्ती इनको रोज़ा छुड़वाना पड़ेगा, क्योंकि दवा तो टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी ना। देखो क्या होता है, अभी तो उतर गया था अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अब करंट पोजीशन मुझे नहीं पता कि यहाँ मौजूद नहीं है। अल्लाह इनको नज़र बद से बचाए, कहिए माशाअल्लाह बारकअल्लाह। और ये हमारे उन मुसलमानों के लिए इसमें इबरत है कि एक छोटा बच्चा, सिर्फ 6 साल का बच्चा है, ज़्यादा कोई इसको शोर भी नहीं है इतना, लेकिन रोज़े का ये इतना शौकीन है। ये मैं मस्जिद बताता नहीं रोज़ों के ताल्लुक से, ऐसे बड़ा शौकीन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि ये इस बुखार के आलम में इसने रोज़ा नहीं तोड़ा, शिद्दत के बुखार में, मेरे ख्याल में शिद्दत का बुखार कहेंगे, तप रहा था ये पानी के पोचे और हम लोग रख रहे थे इनके अब्बू। जो बेचारे नौजवान हमारे मुसलमान भाई काबिल रहम है, इनका बेचारों को जज्बा ही नहीं मिलता, ये बिल्कुल हट्टे कट्टे होते हैं और रोज़े नहीं रखते रमज़ान के, इनको इस बच्चे से दर्स हासिल करना चाहिए। आपने इयादत की, मुझे अच्छा लगा, जज़ाकल्लाहु खैरा।